नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो भी आज पेरेंट्स लाइव आए हैं, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट वीडियो के आ करके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जूम का आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपके साथ लाइव बात कर पाऊँ। पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं तो कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग ले पाए, पेरेंट्स के साथ मिल करके इस लाइव सेशन को और इंटरेक्टिव बना पाए। सही है जी? तो उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पेरेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के नीचे लिंक हमने डाल दिया है। जो भी पेरेंट्स जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में हमारा यही टारगेट है कि हम पेरेंट्स के साथ जुड़े, लाइव बातचीत करें। और पेरेंट्स की काफी डिमांड रहती है तो मेरी कोशिश यही है कि हम लोग मिल करके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स ले पाए, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल एक से बढ़कर एक स्कूल है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता नहीं है। कई बार लोगों को सिर्फ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में ही पता होता है ना, बाकी स्कूल्स के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। सही है? तो कई बार इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पेरेंट जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है और साथ के साथ हम लोग क्वेरी लेते रहेंगे। और जो भी पेरेंट सवाल पूछना चाहते हैं, उनको करना क्या है, वो अपना हैंड रेज करेंगे तो मैं उनका माइक ऑन कर दूंगा और हम लोग बात कर पाएंगे। और उससे क्या होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट क्लियर होगा, है ना। साथ के साथ ही लाइव चलते चलते यश गांधी जी, मैं आपको पिछले 3 दिन से समझा रहा हूं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर 15 बुक्स का सेट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी? यश गांधी जी को मैं पिछले 3 दिन से समझा रहा हूं कि 15 बुक्स का सेट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, हर्ष का मैसेज आया, सर बुक्स के लिए रिक्वेस्ट भेजा था पर मैम ने बोला है कि मंडे तक ट्रैकिंग आईडी मिलेगा। बिल्कुल जी, सैटरडे संडे आपको पता है ऑफ होता है। सही है जी? सैटरडे संडे आपको पता है सरकारी छुट्टी होती है, तो आपको जो ट्रैकिंग आईडी है, जैसे ही मंडे वो बुक्स आपकी डिस्पैच होंगी, 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा। जो भी पेरेंट सवाल जवाब करना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को क्या करना है, अपना हैंड रेज करना है तो हम लोग लाइव सेशन में बात कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है जी? चलिए, तो हर्ष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 15 बुक्स का प्रॉपर सेट आपको 6 से 7 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, 6 से 7 दिन के अंदर आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। बीरबल जी का मैसेज आ चुका है, 2 जुलाई 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, तो 2 जुलाई 2012 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका है। 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका है। ठीक है जी? 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल, तो जनवरी 2023 और जनवरी 2024 में 6th क्लास के लिए, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आपको लगातार 2 साल चलिए आगे चलते हैं। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और आपको करना क्या है, अपना हैंड रेज करना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आपको हैंड रेज करना है। ठीक है जी? तो जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड है, हैंड रेज करेंगे उनको मौका मिलेगा और हम लोग लाइव क्वेरी लेंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की क्वेरी ले पाए और पेरेंट्स की जो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाए। सही है?
जो भी पेरेंट्स के मन में क्वेरी आता है उसको हम लोग सॉल्व कर पाए मिलके। चलिए, सबसे पहले जो हैंड रेस किया है वो है प्रद्युमन जी ने किया हुआ है। मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, पूछिए अपना सवाल, क्या जानकारी लेना चाहते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। बताइए सर, क्या सवाल है आपका। सर एक्चुअली मेरा बच्चा आपके यहाँ पढ़ स्टडी कर रहा है। हाँ जी हाँ जी। वो उसमें बीच में मैडम ने एक ऐप जो आपका आया था जिसको जिसके थ्रू बच्चे का सारी जानकारी। जी 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 सर, बिल्कुल ऐप हमने बना के दिया हुआ है। हाँ जी, वो अभी तक चल नहीं रहा है, उसमें पासवर्ड आता ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आपके जो काउंसलर है ना उनको कनेक्ट करके आप डायरेक्ट आईटी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस पे चले जाइए, ठीक है। तो ऐप के अंदर सर आपका जो पूरा स्टडी रिपोर्ट है, पॉकेट मनी की रिपोर्ट है, चाहे आपका मेडिकल रिपोर्ट है, आपको सारी रिपोर्ट डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आपको सारा मिल जाएगा। जो भी आपके काउंसलर है एक बार आप उनके साथ जुड़ करके, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उनको बोलिए कि वो कॉन्फ्रेंस पे लेकर के आपको करवा देंगे, ठीक है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने स्कूल में प्रोवाइड किया था, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर ओटीपी आता है। तो कहीं नहीं, मैंने तो सर जी, मैंने मैडम को तो 4 बार मैसेज भेज चुका है, लेकिन वो बोली कि अभी होगा होगा, ऐसा उन्होंने बोला नहीं कि या काउंसलर किसी से बात करना है, उन्होंने बोला अभी समय लगेगा। मेरे को कनेक्ट करें, आप बोलना कि मुझे जी विनय सर ने बोला है मेरे को कनेक्ट करें, ठीक है जी, आपको कनेक्ट करेंगे सर, ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नई ऐप है उसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, बच्चों का डिटेल्स डाल रहे हैं। कोशिश यही है कि पेरेंट्स को प्रॉपर जो है रिपोर्टिंग सिस्टम मिले ऐप के द्वारा। बाकी अभी हम लोग व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं, क्योंकि ऐप के ऊपर लगातार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, काम चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को व्हाट्सएप के ऊपर भी जो वीकली रिपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सपना जी हमारे साथ जुड़ गई है, सपना पवार जी। सपना जी, मैंने आपका माइक ऑन कर लिया है। अरविंद दुबे जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर हम ये बोल रहे हैं। हाँ जी सर, आपके स्कूल में भी विजिट। हाँ जी, बच्चे का जन्म 30/7/2010 है। हाँ जी हाँ जी। तो ये कौन कौन से सर ये फॉर्म भर सकता है, और हमने 10,000 जमा कर दिए सर। ये कौन सी क्लास में बच्चा अभी सर? कौन सी क्लास में बच्चा? 7th क्लास में है सर। सर 7th क्लास में ना, तो 7th क्लास के अकॉर्डिंग 30/7/2010 सर। 8th क्लास के लिए RIMC, क्या डेट ऑफ बर्थ, 8 क्या डेट ऑफ बर्थ बताया सर आपने? 30/7/2010 सर। सर 2010 के अकॉर्डिंगली अभी आपका बच्चा 7th क्लास में है, उसको अभी एक साल आराम से 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून की तैयारी करवाइए, ठीक है जी, इस साल। और अगले साल वो 9th क्लास के लिए पेपर देगा सर, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, तीनों का पेपर देगा। इस साल हमारा टारगेट रहेगा RIMC देहरादून हो गया, आपका गुरुकुल हो गया, ठीक है जी, इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया। मेन क्या है कि प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं, इस साल RIMC में चांस मिलेगा, अगले साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में चांस मिलेगा, ठीक है सर। भूषण कुमार जी का मैसेज है। भूषण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपका माइक ऑन किया। सर प्रणाम सर, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार, बताइए सर। सर वे है कि सर जो सैनिक स्कूल का कब कब फॉर्म आता है सर? मेरा बच्चा का है 10/8/2011 का डेट ऑफ बर्थ है सर। 10/8/2011। हाँ सर, 10/8/2011 के अकॉर्डिंगली सर सैनिक स्कूल के लिए आपके बच्चे के पास लास्ट चांस है, मात्र 7 महीने का समय रह गया है। अब आप देख लो आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या डिसीजन लेना है सर, लास्ट चांस है आपके पास। January 2023 में बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा, गुरुकुल का पेपर देगा, ठीक है जी। नहीं सर, बिहार का है सर, बिहार का है सर। अरे सर, चाहे वो बिहार में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो,
है ना। अच्छा अच्छा सैनिक स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, ये सारे पेपर दे सकता है। ठीक है जी। अच्छा सर। हाँ जी हाँ जी। तो आपको तैयारी करवाना है और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका प्लान बनता है तो फॉर्म वगैरह जो भी है हम लोग सारा फॉर्म भरेंगे, है ना। पेपर और फॉर्म सर जब आएगी सर, फॉर्म जब तो बता दीजिएगा सर कि फॉर्म भरना है तो सर तो अभी से देखिए सर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अभी से ही ना फॉर्म वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देना है, कॉन्टेक्ट कर लेना है, क्योंकि जिस टाइम फॉर्म निकलता है ना सर उस टाइम कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 10,000-15,000 लोगों का फोन आता है, मैसेज आता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो ये पहले से तैयारी, आंधी तूफान आने की तैयारी पहले करनी पड़ती है। नहीं तो सर तैयारी सर करेंगे ही सर। और आप सर ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं सर क्या? सर ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है ना, ऑनलाइन भी चलता है, जैसे आपको ठीक लगे, जैसा आपका मन करे, है ना। शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं, उसके अंदर आपको प्रॉपर ऐप मिल जाएगा, बच्चे की लाइव क्लासेस भी चलेंगी और बच्चे का जो डेली रिपोर्ट है, वीकली रिपोर्ट है, वो आपको ऐप में मिल जाएगा, बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, वो असाइनमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हफ्ते में एक दिन जो क्लास टीचर है वो आपको कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि बच्चे का वीकली रिपोर्ट कैसा है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी हमारे साथ जुड़ गई है, सपना पनवर जी पवार, सपना पवार जी आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। भारत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारत बड़ा ही प्यारा नाम है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 27/3/2011 है। 27/3/2011 है। हाँ जी। सर अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है बच्चा? सिक्स क्लास में पढ़ रहा है। सर आपका बच्चा अभी पेपर देगा 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का, 6th क्लास का आपके बच्चे का चांस निकल गया है। अब आपको कम से कम अगले 1-2 साल आपको तैयारी करवानी है 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून की। जी ठीक है सर। 6th क्लास में चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आपके बच्चे का एज नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके बच्चे का एज 8th क्लास के लिए आ रहा है, RIMC देहरादून के लिए आ रहा है, गुरुकुल के लिए आ रहा है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए आ रहा है। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन और था जी सर, जो यूपी सैनिक स्कूल जो है लखनऊ वाला, हाँ जी, इसके लिए एज है इसका? सर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी, उत्तर प्रदेश के लिए 7th क्लास में आपको चांस मिल जाएगा, अगर आप यूपी से हैं, आपका यूपी से डोमिसाइल है तो आपको 7th क्लास में चांस मिल रहा है। सर आपको तैयारी करवा के डबल फायदा है, यूपी सैनिक स्कूल का भी पेपर देगा आपका बच्चा, RIMC का भी पेपर देगा और गुरुकुल का भी पेपर देगा। सही है सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना था थोड़ा सा। जी जी जी। सैनिक स्कूल जो सर ऑल इंडिया स्कूल है उसी स्तर से है कि उससे नीचे आता है? सर सबसे नंबर वन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, सबसे नंबर वन, उसके बाद बाकी सैनिक स्कूल आते हैं। ठीक है जी। जी सर 33 सैनिक स्कूल है वो अलग है, और यूपी सैनिक स्कूल जो है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पार्ट नहीं है, और मैं आपको बता दूं इसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है, और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल है उससे भी ऊपर नंबर वन नंबर पे आता है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। सबसे नंबर वन पे आता है सर, इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी, फिर इसके बाद बाकी सैनिक स्कूल बनाए गए, इसके बाद बाकी सैनिक स्कूल की शुरुआत की गई। ठीक है जी। जी ठीक ठीक सर ठीक। सबसे सबसे पहले बनाया गया था RIMC देहरादून, उसके बाद बना था मिलिट्री स्कूल, उसके बाद बना था यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, और उसके बाद बने हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। ठीक है जी। ठीक है सर ठीक है। तो अगर आप सिर्फ सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल में इंडिया में यूपी सैनिक स्कूल से ऊपर पढ़ाई लिखाई सिस्टम कहीं पे भी नहीं है, और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो खर्चा है वो सिर्फ 1,00,000 रुपए आता है, बाकी जो सैनिक स्कूल है जैसे यूपी में आपका मैनपुरी है, झांसी है, अमेठी है, सर इसका जो खर्चा है वो 1.5-2 लाख रुपए के बीच में आता है। समझ रहे हो आप? सर एक चीज और पूछूंगा मैं थोड़ा सा, जैसे EWS का मैंने वो बनवा रखा है, हाँ जी, तो क्या इसे लगाने से सामान्य में कभी कभी छूट मिलती है कि ऊपर इसकी मेरिट और ऊपर चली जाती है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उसका फायदा मिलेगा, बाकी सर नंबरों का खेल है, कभी किसी में ऊपर जाता है नीचे जाता है ना, तो इन बातों में फायदा नहीं है, मेन बस ये है कि आपको तैयारी करनी है, जोर लगाना है,
हमारे हाथ में मेरिट लिस्ट नहीं है, है ना। कभी 155 आएगा, कभी 160 आएगा, कभी 165 आएगा, सही है, ठीक है सर। हाँ, हमें नहीं पता कि डिफेंस में क्या है, हमें तैयारी करनी है सर, जोर लगा के। सर इसका पेपर जो 200 नंबर का होता है कितना होता है? 200 नंबर का पेपर होता है सर पूरा, ना 200 नंबर का पेपर होता है, चाहे वो 7th क्लास के लिए होता है लड़कों के लिए, और 9th क्लास के लिए लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होता है। 200 नंबर का होता है, कम से कम 160 नंबर का टारगेट लेना है, कम से कम 160 से अगर ऊपर आ जाता है तो नंबर आने की संभावना होती है, मतलब फिर उसमें चांसेस काफी हाई होते हैं। अगर किसी के मान लो 150 आया, 148 आया, तो फिर थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा मैक्सिमम बता रहा हूँ, कम से कम 160, 165, यानी कम से कम 80% आपको मिनिमम टारगेट करना ही पड़ेगा, ठीक है सर? सर ठीक ठीक सर, आपकी ऑनलाइन क्लास कितने बजे से चलती है शाम को? सर शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रॉपर हर रोज इवनिंग क्लासेस चलती हैं, चारों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, 40-40 मिनट का लेक्चर लगता है, 15 बुक्स का आपको प्रॉपर सेट मिलेगा, आपको ऐप मिलेगा, आपको हर हफ्ते में एक बार टीचर कॉल करके बताएगा आपके बच्चे का पूरा रिपोर्ट कार्ड, कि पूरे हफ्ते में बच्चे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर अटेंडेंस लग रही है कि नहीं लग रही है, क्लास लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ठीक है जी? सर मेरी आपकी मैडम से बात हुई थी, जो आपके यहाँ जो ऑफिस पे बैठते हैं। हाँ जी। से मैंने बोला कि मैम मैं अपने बेटे को 2 दिन ऑनलाइन क्लास दिलाना चाहूंगा आपकी डेमो के हिसाब से। हाँ जी सर, उन्होंने बोल दिया कि YouTube पे देख लो तो हो सकता है, नहीं तो। लेकिन सर ऐसे सर पता है क्या होता है, हमारे पास ना डेली हजारों कॉल्स आती हैं, अगर हम एक एक पेरेंट्स को ऐसे डेमो देंगे तो फिर जो बच्चे पैसे दे करके पढ़ रहे हैं ना, वो पूरी क्लास खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। ऐप के ऊपर हमने वीडियो डाला हुआ है, यूट्यूब के ऊपर जो टीचर पढ़ाते हैं वो वीडियो डाला हुआ है सारा, अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हैं मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, तो वो आप देख सकते हैं, है ना। अगर आप सोचो, अगर मान लो हजारों कॉल्स आ रही है, मैं 1000 लोगों को आज डेमो दूंगा, तो जो बच्चा बेचारा वहां पे पैसे देकर के पढ़ रहा है, वो बार बार क्लास डिस्टर्ब होती है, टीचर डिस्टर्ब होता है, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, सही है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप 31 मई से पहले पहले आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का पूरा 15 बुक्स का सेट आप बिल्कुल फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है सर, ठीक। बी आर झा जी का मैसेज आ चुका है, बी आर झा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। सर बताइए सर, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, काम करके बहुत मजा आ रहा है ना। इस बार तो अपने बच्चे का एडमिशन करवाई है, ठीक है जी 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 सर। अल्पना राज और अधिराज, बहुत बढ़िया सर। और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आपको देखे थे बट बात नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। जी 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 जी। तो पूछने का ये मतलब था सर, ये 29/4/2010 का इसका बर्थडे ड्यू भी है, अल्पना राज क्लास के एडमिशन करवाई है। हाँ जी, उसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन रह गया सर? 29/4/2010। यस सर, यस सर। अभी आप आराम से 2 साल तैयारी करवाओ, आपको 9th क्लास के लिए चांस मिलेगा, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, ठीक है जी? ओके। 9th क्लास में बच्चे को मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है ना। ये सब थोड़ा लंबी लड़ाई है सर, धीरे धीरे, मैराथन है ये, है ना। अच्छा, इसमें तेज दौड़ने वाला बच्चा नहीं चाहिए, इसमें लंबा दौड़ने वाला बच्चा चाहिए। अच्छा, ये राय स्पोर्ट्स स्कूल जो आपका हरियाणा की है, इसमें तो जी जी सर, राय स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में है। हाँ जी, ये डोमिसाइल जो वहाँ के बंदे हैं वही भर सकते हैं या बिहार वाले भी भर सकते हैं? नहीं, सभी लोग भर सकते हैं सर, इसमें टोटल 4th क्लास में 100 सीट्स होती हैं, ठीक है जी, सभी बच्चे भर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी 3rd क्लास में पढ़ रहा है या 4th क्लास में पढ़ रहा है तो आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन वही है, कम से कम 1-1.5 साल तैयारी करवाएंगे, और क्योंकि ये सारे जो स्कूल है ना, इनकी फीस बहुत कम है, तो फीस कम है तो इन पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, है ना। अगर कोई पेरेंट्स ये सोचेगा कि हम सिर्फ किताब ले लेते हैं काम बन जाएगा, या इसके पापा पढ़ा देंगे, या इसकी मम्मी पढ़ा देंगे, इसके भैया पढ़ा देंगे, तो ऐसे काम बनने वाला नहीं है, बच्चे की एज निकल जाएगी और फिर वही है कि बाद में फिर वो कहते हैं ना, आप काहे पछताए जब चुड़िया चुक गई खेत, है ना। तो ये सब प्लानिंग का काम है, प्लानिंग से ही होगा। चलिए सर, दूसरा सर ये कह रहे थे इसका, तो चलिए ठीक है, आपने बताया 2 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा, और ये अधिराज का क्लास 6 में करवाया इसका एडमिशन,
हाँ जिसका जी डीओबी आपका 9/11/2013 है। हाँ जी हाँ जी, इस 9/11/2013, जी 9/11, 9 नवंबर 2013, अभी जी जी कौन सी क्लास में है? 6th क्लास में, हाँ, 6 में करवाइए इसे। 9 नवंबर 2013 वाला। ये बच्चा भी आपका मतलब इस साल ये गुरुकुल का पेपर देगा, 5th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर देगा। इसको भी अगले साल चांस मिलेगा, इस साल ये नॉर्मल वाले पेपर देगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, अगले साल फिर इसको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी, अच्छा, इनमें बैठने का मौका मिलेगा 9/11/2013। जी जी सर, ठीक है ये जी। सर कौन से मंथ में फॉर्म आ जाएगा 2023 में? अगस्त में फॉर्म निकलने शुरू हो जाते हैं, कोई भी पेरेंट जो फॉर्म भरवाना चाहते हैं पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पूरे करवा लो, क्योंकि जब फॉर्म निकलता है सिर्फ 30 दिन का टाइम मिलता है, 30 से 35 दिन का टाइम मिलता है, और उसमें आप मानोगे मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से पेरेंट्स का कॉल आता है कि भैया हमें भी फॉर्म भरवाना है, हमें भी फॉर्म भरवाना है, हमारा डोमिसाइल नहीं बना, हमारा आधार कार्ड नहीं बना, समझ रहे हो आप? ओके सर, तो पहले और ही, जी 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 बोलिए सर, बोलिए सर। तो मैं कह रहा था कि पहले ही अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही पूरे करवा लो अपना, जून के एंड तक, जुलाई के एंड तक। डॉक्यूमेंट सर सारा सबमिटेड सर हमारा सर। हाँ नहीं, एक बार जो भी आपके काउंसलर हैं उनसे आप बात भी कर लो कि भी आप मेरे दोबारा से डॉक्यूमेंट चेक कर लो। हमने वेबसाइट के ऊपर सर ये देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है, जैसे आप सैनिक स्कूल का पूछ रहे हैं ना, तो एग्जाम डिटेल में आप जाएंगे तो ये देखिए, चाहे वो ऐप है, वेबसाइट है, यहाँ पे एक एक चीज दिया हुआ है, फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम डेट देखिए 8 जनवरी 2023 है, एज क्या चाहिए, है ना, ये देखिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, ये देखिए 9 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट हमने दिया हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का सिग्नेचर, फादर का डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बच्चे का फादर का आधार कार्ड, और अगर डिफेंस पर्सन है तो सर्विंग सर्टिफिकेट, है ना, क्योंकि इसमें से एक भी नहीं हुआ तो मैं आपका फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, एक बात कह रहा हूँ कि एक भी। ओके सर, वैसे तो अपन एक बार बात कर लेंगे अपन कंसलर से, ठीक है। और दूसरा, आपने डिस्कस अभी किया है कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के बारे में, जी, इसका फॉर्म सेपरेटली आता है या सैनिक स्कूल AISS के थ्रू ही आता है? नहीं, इसका अलग आता है, ये 7th क्लास के लिए पेपर होता है, ऑल इंडिया वाला 6th क्लास के लिए पेपर होता है, ठीक है जी, ये अच्छा, सेवेंथ पेपर क्लास के लिए। क्लास में होता है। ठीक है सर, ओके सर, सर थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ज्योति राठी जी हमारे साथ जुड़ गई है, मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, ज्योति राठी जी, और एक मैडम और जुड़े हैं जिनका नाम नहीं आ रहा है लेकिन वीडियो आ रहा है, मैंने माइक ऑन कर दिया है। सर जी नमस्ते। नमस्कार ज्योति मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। सर जी, हमारे दोनों मेरे दोनों बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, बेटी इसी साल गई है, बेटा लास्ट ईयर से है। हाँ जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। सर बेटे में बहुत प्रोग्रेस है और बेटी में भी है काफी। हाँ जी सर ये पूछना था, जैसे आप गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी तो उसमें ऑनलाइन क्लास चलेंगी बच्चों की? बिल्कुल मैम, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, ठीक हाँ जी है, सर, हर रोज डेली, चाहे 40 दिन की छुट्टियां हैं और हाँ बाकी जी, छुट्टियां कंपलसरी नहीं है ना, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रुकेंगे, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, हमारा स्कूल 12 महीने खुला होता है, लेकिन क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं, नहीं जी बच्चे को मिलना है, छुट्टियां पढ़नी चाहिए, तो हमने क्या किया है, ड्यूअल सिस्टम बना दिया है कि जो पेरेंट्स नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, ठीक है जी, जी तो वो हाँ ले जी जाएं, बाकी जो पेरेंट्स समझते हैं कंपटीशन को, भारत को, सैनिक स्कूल हाँ को, मिलिट्री जी स्कूल को, वो अपना पढ़ाएं, हम आपके साथ खड़े हैं, 12 महीने स्कूल चलता है, हमारे यहाँ कोई छुट्टियां नहीं होती है, ये सर जी, छुट्टियां हमने एक एक पेरेंट्स। ये प्रॉब्लम थी कि जैसे स्कूल में हम कॉल करते हैं या कोई मैसेज करते हैं उसका रिप्लाई नहीं आता है सर। मैम उसके लिए आपको सिर्फ मेल करना है और कोई आपको मेल किसी का तो को आता कॉल है, नहीं। जैसे अभी बच्चों के टूर के लिए 24 को और 25 को जाना था, जिस नंबर से हमें मैसेज आया बोला इसी पे यस का मैसेज करो, तो हमने किया तो किसी ने देखा नहीं। नहीं मैम, मैंने क्या कहा आपको कि हर चीज के लिए जो नोटिफिकेशन निकलती है ना मैम, आपको हाँ क्या जी करना, मैं इसीलिए तो रोज लाइव आता हूँ मैम, ताकि आपके और हमारे बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन ना बने, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है जी, हाँ आपको हमेशा जी क्या करना है, मेल करना है, आपको ओके कभी सर भी कुछ भी आता है मैम आप मेल करो, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा, 24 घंटे के अंदर, आप खुद ही सोच के जी देखो कि हॉस्टल में 1,000 बच्चे हैं, अब अगर सर छोटी छोटी बात के लिए कई बार बहुत कॉल आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे का फोन उठाना, पेरेंट्स का, तो आपको सिर्फ मेल करना है, सब कुछ ऑफिशियल चलता है सिस्टम, कस्टमर
कल को आप सैनिक स्कूल में जाएंगी, मिलिट्री स्कूल में जाएंगी, है ना। कल मैं लाइव आया था, पेरेंट्स कह रहे थे कि उनका यूपी सैनिक स्कूल में नंबर अच्छे बने हैं, वो बेचारे वहां पे कॉल कर रहे हैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मेल कर रहे हैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। सही है, आपको हमेशा ऑफिशियल तरीके से चलना है। कल को आपका बच्चा RIMC में पढ़ेगा, सैनिक स्कूल में पढ़ेगा, मैम मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप प्रोसेस से चलोगे तो। अगर आप आउट ऑफ द प्रोसेस जाओगे तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। सर हम तो ईमेल ही करते हैं, लेकिन वो मैसेज यही आता है किसी नंबर पे मैसेज करना है बस। नहीं 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 मैम, मैंने आपको बता दिया ना, मैं इसीलिए लाइव आता हूँ कि कभी भी कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन होती है। लाइव आने का यही फायदा हो जाता है कि पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है, और पेरेंट्स को पूरा सिस्टम प्रोसेस भी समझ में आ जाता है। सही है, ओके सर। अप्रैल के महीने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उस टाइम पेरेंट नए होते हैं, बच्चे नए होते हैं, जैसे जैसे महीना आगे निकलता जाता है सिस्टम अपने आप ही स्मूथ हो जाता है। सही है, हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आपके बच्चे खुश हैं आपने बताया, और इंप्रूवमेंट है। हाँ जी हाँ जी, बहुत खुश हैं बच्चे जी। मैम सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बच्चों को लगातार बस मोटिवेट करते रहिए, और कुछ नहीं करना है हमने। रिजल्ट अपने आप आएगा मैम, आपका बच्चा खुद ही सोचो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहा है आपका बच्चा। सही है सर, रिजल्ट आया है, बेटे ने गुरुकुल का निकाला है सर। हाँ मैं बस यही कहूंगा कि मैम गुरुकुल तो कुछ भी नहीं है, अगर आगे IAS का पेपर भी निकालना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम से चल रहे हैं हम, समझ रहे हो। हाँ जी हाँ जी, आपके बच्चे का रूटीन इतना बढ़िया बना हुआ है, बच्चा सुबह 5 बजे उठ रहा है, रात को 11 बजे सो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है ना, स्कूल पे घूमने फिरने भी जा रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज होती है, और बच्चे के लिए हर चीज रिक्वायर्ड है, सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है। हाँ जी सर, है ना, कई बार पेरेंट्स को होता है नहीं नहीं सिर्फ पढ़ाई, सर पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए, पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए, नहीं, ठीक है पेरेंट्स का सपना है, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं ना, है कि हाँ जी, हाँ तो जी सर। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भी आपके और हमारे सपना पूरा करने के चक्कर में हमारे बच्चों का बचपन ना खराब हो जाए, है कि नहीं। यस सर, हाँ जी, उनका बचपन भी उतना ही जरूरी है जितना आपका सपना जरूरी है। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपके बच्चे खुश है। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आपको सर प्रॉपर आ रही है ना। जी मैम प्रॉपर आ रही है, बाकी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपना अपना हैंड रेस कर दें ताकि मैं आपको माइक ऑन कर पाऊं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है। सीमा सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। क्या बोलते हैं, मैं आपको इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, RIMC का जो आपके यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है बच्चों का, जो कि अभी 4 जून को एग्जाम है, तो मेरा छोटा बेटा ओम सिंह आपके यहाँ से ले रहा है क्लासेस सर, लेकिन उसके पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसका पैर फट जाता है जरा से डस्ट से, तो सर क्या मेडिकल में छांट दिए जाएंगे। नहीं देखो, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए कोई मतलब, देखो बच्चा मस्त चाहिए, उनको टैलेंटेड चाहिए, तो अगर बच्चे में टैलेंट है छोटी मोटी प्रॉब्लम में नहीं दिक्कत आती, अगर कोई हाथ टूटा हुआ है ना, और ज्यादा टूटा हुआ, एक बात कह रहा हूँ मैं, है ना, तो दिक्कत आती है, ऐसे छोटी मोटी चीजों के लिए कभी भी मेडिकल में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और तैयारी करवाते रहिए, और हमें तैयारी कर रहा है सर, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट 2 लाख लग गया है सर, वहां से वो एडमिट कार्ड आ गया है सर, उसे आने का नहीं था, क्योंकि है ना आप लोगों वहां तो काउंसलर लोगों से कंसल्ट किया था, तो मुझे बताया कविता मैम ने कि आप फॉर्म भर के देख लीजिए मैम, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन सर उसका एडमिट आ गया है। पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है ऑनलाइन क्लास में, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर लोग, मैं प्रॉपर क्लास अटेंड करती हूँ बच्चे के साथ। बस मैम आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और आप लोग इसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते रहिए, सही है। हाँ सर, मुझे मेडिकल का ही उसका जानना था, अभी उसका 4 को सर एग्जाम है, तो अभी उसको लेके जाना है 4 जून को सर। और एक मुझे ये पूछना था, अभी अभी आपने बताया कि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस लगेंगे ऑफलाइन बच्चे को लाने के बाद, जैसे कि बड़ा वाला बेटा आशुतोष सिंह राजपूत जो 9th क्लास में आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है लास्ट ईयर से, तो सर उसको अभी हम लोग 26 को लेके आ रहे हैं अप्रैल में, क्योंकि सर जून में हम PTM अटेंड नहीं कर पाएंगे, बच्चे का RIMC का एग्जाम दिलवाना है, तो सर क्या उसकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। नहीं मैम, मैंने बताया ना कि जैसे शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक जो बच्चे छुट्टियों पर जा रहे हैं, हमारी यही कोशिश है कि एक दूसरे का जो रिदम है वो ब्रेक ना हो जाए, उनका फ्लो बना रहे, पढ़ाई लिखाई की जो अपनी एक स्पीड है मोमेंटम है वो बना रहे, तो शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे सिर्फ 3 घंटे की घर पे क्लास लगेगी, बाकी जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनका प्रॉपर ऐसे ही स्कूल चलता रहेगा, ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, सभी बच्चे घर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, हम लोग जून में हम लोग अभी अप्रैल में जो आए थे ना स्कूल में सर, हमें कंफर्म नहीं था कि छुट्टियां लगेंगी कि नहीं,
पर बच्चे ने बोला था कि छुट्टियां लगेंगी मम्मा, तो हम लोगों के यहाँ प्रॉब्लम होता है रिजर्वेशन का सर, एक मेरे हस्बैंड को छुट्टी का प्रॉब्लम होता है, तो सर हम लोगों ने पहले ही छुट्टी भी और रिजर्वेशन करवा लिया था, तो अब लाना कंपलसरी है क्योंकि बच्चे को बोल चुके हैं तो उसको लाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा थोड़ा डिसपॉइंट हो जाएगा कि बोलने के बाद भी लेने नहीं आ रहे हैं। और आप बिल्कुल छुट्टियां मनाइए, परमिशन कोई दिक्कत नहीं है सर, स्कूल से परमिशन तो मिल गई है ले जाने के लिए। सर एक और बात थी आपको विशेष बोलनी थी कि जो आपका सेमिनार चल रहा है स्कूल में सर, टू वेरी गुड, बहुत और स्पेशल सर जो आप लेते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे से समझते हैं जब आप समझाते हैं, उन्हें और टीचरों का भी देखा है बच्चे काफी डरे रहते हैं, इतना नहीं क्वेश्चन करते हैं जितना कि आपसे खुल के पूछते हैं। और सर जो आपसे एक बात और आपको सजेशन देना था सर, जो पीछे बच्चे बैठते हैं ना आप उनको ना आगे पीछे करके बैठाया कीजिए, क्योंकि पीछे वाले बच्चे कम बोलते हैं, स्पेशली मेरा बेटा तो अभी तक आपसे दोनों सेमिनार में एक भी बार कोई क्वेश्चन नहीं किया है, चलिए लेकिन बताया था कि सब समझ में आया, सर ने काफी अच्छा सेमिनार लिया, फर्स्ट सेमिनार के बाद मेरी बात हुई थी उससे सर 15 तारीख को, तो उसने बताया था कि सर ने बहुत अच्छे से क्लास ली थी। और मैं भी सर आपका बच्चा जैसे ही सेमिनार खत्म हो जाता है ना उसके बाद सवाल पूछता है, जब उसको पता लग जाता है कि भी अब कैमरा बंद हो गया है कई बच्चे थोड़ा शर्माते हैं झिझकते हैं, इसीलिए हम सेमिनार करते हैं, ठीक है, हर बच्चे का अलग अलग सिस्टम है, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। जी जी सर यही मेरा कहना है, क्या है कि बच्चे सामने से पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पूछ, क्वेश्चन तो सबके मन में होते हैं, तो सर यही मैं कहना चाहती हूँ जो पीछे बच्चे बैठते हैं सर कभी उनको आगे अल्टरनेट करके भी बिठाइए ताकि वो आपसे पूछें, क्योंकि आप तो एकदम फ्रेंकली एक फ्रेंड की तरह सारा सेमिनार लेते हैं, ऐसा नहीं लगता हाँ टीचर की तरह आप उन्हें बातें समझाते हैं, पर आप बच्चे को आगे पीछे नहीं बिठाते हैं, लाइन वाइज बच्चे अपने आप बैठते हैं अपना, ठीक है जी, ठीक है, आप अपने बच्चे को बताइए कि बेटा तुम पीछे ही क्यों बैठते हो, आप बच्चे से सवाल पूछो। उसकी हाइट ज्यादा है, बोल रहा था मम्मा मेरी हाइट ज्यादा है इसलिए मुझे पीछे बैठाते हैं, आगे थोड़े से क्या गर्ल्स बैठती हैं छोटे बच्चे, मैं उसको ये बोल चुकी हूँ कि आप क्वेश्चन क्या करो, क्वेश्चन इसलिए क्या करो कि थोड़ा सा आप खुलोगे बोलने के लिए, शर्मीले हैं तो वो बोलते कम है थोड़ा, इसलिए सर पढ़ाई वढ़ाई में काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफी पहले से अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, कोई शिकायत भी नहीं है स्कूल से, सर सबसे बड़ी शिकायत हो ही नहीं सकती आपके स्कूल में, सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सुबह से शाम तक का सब बेस्ट एंड बेस्ट है। नहीं नहीं तो मैम हम लोग कोशिश करते रहते हैं, और मैं लाइव आता हूँ तो हमेशा यही सब मैं ढूंढता रहता हूँ, आप लोग जो सिग्नल देते हो कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आती है, देखिए पढ़ाई लिखाई खाना पीना सर घर में दो बच्चों में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो आपके पास तो इतने सारे बच्चे सर, हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं। और सर हम आपकी 9:00 की जो लाइव आते हैं उसको भी रोज अटेंड करती हूँ सर, मैं इसीलिए अटेंड करती हूँ साइंस में कुछ नया मिले सुनने को या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जान रही हूँ सर, मेरा नॉलेज भी इंक्रीज हो इसलिए मैं आपका डेफिनेटली। देखिए अगर सर जी सर अगर आपकी सोच ये है ना कि आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा सीखने को मिलेगा तो मैम आपको पक्का मिलेगा, ये सब कुछ सोच पे होता है सर, मिलता है सर एवरीडे सर, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता ही है सर। सर बस ये ओम सिंह जो आ रहे हैं एमसी का जिनका एक अभी दिलवा रहे हैं सर, अभी वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं सीडीएस से, इसके बाद सर जुलाई से वो दोनों भाई अब ऑफलाइन चले जाएंगे, मतलब एक तो पढ़ ही रहा है ऑलरेडी लास्ट ईयर से जो 9th क्लास छोटा वाला ओम सिंह राजपूत वो इस बार चले जाएंगे, तो सर बस यही पूछना था उनके पैरों में जो प्रॉब्लम सर, तो वो कोई मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवाई सही हो जाते हैं। एक तो मैं लाइव देख करके ये नहीं बता सकता हूँ है ना कि उनके पैरों में जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है कि छोटी है या मेजर प्रॉब्लम है, ये तो है ना, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, मेडिकल में कोई मेजर प्रॉब्लम है ना, कोई मेजर सर्जरी हुई है, मेजर फ्रैक्चर हो गया है, कोई मेजर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो ही आएगी, छोटी मोटी में कुछ नहीं होता है ना। नहीं नहीं सर वो तो बहुत मामूली सी है सर, बस यही थोड़ा सा क्या डस्ट लगने से पैर फट जाते हैं ना, उस टाइप से हो जाते हैं, फिर सही भी हो जाते हैं 2 दिन में, लेकिन सर ये देर से उसी समय ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपसे पूछी। चलिए ओके बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं, और ब्रिजेंद्र द्विवेदी जी का मैसेज आया, सर नमस्ते, न्यू सैनिक स्कूल एंड समुतला बिहार में कौन सा बेस्ट है? देखिए सैनिक स्कूल का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है जी, आप किसी भी मतलब जैसे आपका जो समुलतला आवासीय विद्यालय हो गया या आपका नवोदय विद्यालय हो गया, ठीक है जी, एक होता है नेत्रहाट वाला है, तो उनमें बहुत फर्क है, ठीक है जी, बहुत फर्क है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है
अरविंद कुमार जी का सवाल आ चुका है, बच्चे का नाम है आशीष यादव। अगर आप लोग हैंड रेस करेंगे तो मैं माइक ऑन करूंगा आपको, है ना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग हैंड रेस करिए, ठीक है। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है जूम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए, अरविंद कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है आशीष यादव, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 2013। तो इसको क्या 2024-25 में दोनों चांस मिलेगा। 21 सितंबर 2013 के अकॉर्डिंगली, 21 सितंबर 2013 के अकॉर्डिंगली जनवरी 2024 और जनवरी 2025। बिल्कुल आपने सही लिखा है सर, बिल्कुल आपने सही लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको लगातार दो चांस आपको मिलेगा, ठीक है जी, लगातार जो दो चांस आपको मिलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, ठीक है जी, ये वो स्कूल है देखिए जिनका खर्चा हम लोग बड़े आराम से उठा सकते हैं, और जिनमें अगर एक बार एडमिशन हो गई तो पेरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सही है। आर्यन चौहान जी का मैसेज आया, सर अगर मेरा सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो जाता है, मेरा मन है कि RIMC का एग्जाम देना है। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये आपकी पर्सनल कॉल है, ये आपकी पर्सनल एबिलिटी है कि क्या आप रिस्क ले सकते हो, सही है। आप RIMC का सपना देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चा सैनिक स्कूल सेलेक्ट हो जाता है लेकिन वो रिस्क लेता है मिलिट्री स्कूल के लिए, या वो रिस्क लेता है RIMC देहरादून के लिए। और जो रिस्क होता है वो एक अपनी पर्सनल विल होती है ना। मैं कैसे बता सकता हूँ कि रिस्क लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूं, सही है कि नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आर्यन चौहान जी, ये आपका पर्सनल कॉल है। और जो आपके सैनिक स्कूल में नंबर आए हैं, कहीं ना कहीं वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। यहां से वीडियो में देख करके बताना, लाइव आकर के वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सैनिक स्कूल में आपके नंबर कैसे आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से पता लग जाएगा, सही है। चलिए, पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हैंड रेज करें ताकि पता चले कि भाई कौन से पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, है ना, कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलिए, एक पेरेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सिंह जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी सर, बताइए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 09/09/2013 है। 2013/09/09/2013। जी सर, जी सर, 9 सितंबर 2013। हाँ जी, हाँ सर, ये इस बच्चे को मैं कंटिन्यूअस आपके स्कूल से करना चाहता हूँ, जैसे कि आपका बोर्डिंग स्कूल भी है जी, तो जी, बच्चे जी के लिए मैंने आपके स्कूल में निधि मैम से मेरा बात भी हुआ था। हाँ जी, मैंने ये चीज डिस्कस किया था, बट एक चीज मैं ये श्योरली करना चाहता था, अपने पास में 1 ईयर प्रोग्राम कुछ नहीं आता है क्या ऑनलाइन में? सर 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है, तो आपने देखना है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना टाइम लगाओगे उतने ज्यादा पेपर्स आपके कवर होंगे, उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी, सही है। आप 1 साल के लिए भी तैयारी करवा सकते हैं, 2 साल के लिए भी। देखिए, सभी का बजट अलग है, सभी की प्लानिंग अलग है, सभी की सोच अलग है ना। जी सर, बताइए। आप सर 1 साल के करवा सकते हैं, 2 साल के लिए भी तैयारी करवा सकते हैं। जी सर, हाँ जी, हाँ जी, अभी तो ये क्वालिफाइड के अभी तो चांसेस है ना सर, क्योंकि इस साल तो हमको लगता है, कौन से साल में सर एग्जाम आएगा बच्चे का? जनवरी 2024 और जनवरी 2025, ठीक है, चांस है। अभी आप जो एज बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पहले 4th क्लास का पेपर दिलवाओ, राय स्पोर्ट्स स्कूल का, ठीक है जी, हाँ, डायरेक्ट सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल पे मत जाइए, पहले आप छोटे छोटे पेपर दिलवाइए, छोटी छोटी लड़ाई पहले हमें जीतनी है, वहां से हमें आइडिया लग जाएगा हमारी कितनी प्रैक्टिस है, कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस हो गया है, पेपर में बैठने की आदत, सही है। करेक्ट 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 सर, करेक्ट, हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट मेन लड़ाई नहीं लड़नी है, पहले हमने क्या करना है, पहले छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी है, छोटी छोटी लड़ाइयां जीतनी है, वहां से एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप डायरेक्ट, फिर आप सैनिक स्कूल के लिए जाओ, मिलिट्री स्कूल के लिए जाओ, फिर आपके पास और मेन एड्स वाला है RIMC देहरादून के लिए जाओ, ठीक है सर? जी सर, जी, ओके, बाकी डाउट रहेगा तो मैं निधि मैम से कंसल्ट करूंगा। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, नमस्कार,
मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते सर। किरण बाला जी, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम बताइए। जी मेरा बेटा लास्ट जून से मैं आसाम से बोल रही हूँ, गुवाहाटी। हाँ जी हाँ जी जी, लास्ट अप्रैल डे 27 को मैंने मेरे बेटे ड्रॉप किया था स्कूल में आपके, तो बच्चे अभी बहुत खुश है, आराम है। 15 दिन बाद बात हुआ था तो बोला है, मम्मी बहुत आराम है, अच्छा है सब कुछ। और सर का सेमिनार भी अटेंड किया, क्लास 7 में पढ़ रहा है। बस मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो अभी जो आएंगे, अभी मतलब हम लोग जून में लेने जाएंगे ना, वो हाफी अली ये यूनिट टेस्ट खत्म होने के बाद जो छुट्टी जो, हाँ जी हाँ जी मैम बिल्कुल, हाँ जी छुट्टी जो घर में अभी ऑनलाइन देंगे इवनिंग, तो बच्चे हाँ जो लास्ट में हम लोग तो मार्च अप्रैल का जो ड्यू जो है वो बच्चा मतलब जो ऑनलाइन में है वो ड्यू हो जाएगा कम्प्लीट। हाँ जी हाँ जी, समझा नहीं मैम, आपका सवाल नहीं समझा मैं। अच्छी मतलब कि जो लास्ट जो 2 मंथ जो है ना हम लोग ने ड्यू, मतलब बच्चा ने जो पढ़ाई नहीं किया है मार्च अप्रैल, तो बच्चा का वर्क जो कंप्लीट नहीं हुआ था हम लोग ने अप्रैल, हाँ अप्रैल में हम लोग ने एडमिशन किया है, जो 2 मंथ तो उसका रह गया। हाँ जी, जो 2 मंथ जो है अभी मतलब छुट्टियों में घर में आएंगे, घर में आके जो इवनिंग क्लास जो करेंगे जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल मैम बिल्कुल, अभी आपको इसीलिए हम जानबूझ करके इवनिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी ऐसा स्कूल में होता नहीं है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, बच्चे घूमने चले जाते हैं, माँ बाप भी रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी तरह की छुट्टी नहीं कर रहे हैं, बच्चा घर जा रहा है शाम को ताकि एक मोमेंटम बना रहे, पढ़ाई लिखाई में एक रिदम बना रहे, एक ऐसा ना हो कि हमने जो अप्रैल मई में पढ़ाया है बच्चे जाके वहाँ पे भूल जाएं। सही है। रिवीजन करेंगे, हाँ रिवीजन चलेगा, पीछे का सिलेबस चलेगा, कुछ ना कुछ बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है जी। अच्छा पढ़ाई तो मैम जितना कर लो उतना कम है कि नहीं। बच्चे का जैसे कि कॉपी वगैरह वो चेक, जैसे मेरा बेटा है कि वो कुछ कुछ लिखता है कुछ कुछ नहीं लिखता है, वो उसका चेक वगैरह होगा। बिल्कुल मैम, हर 15 दिन में आप जब अभी पीटीएम में आएंगी आप देखना, हर 15 दिन में प्रिंसिपल जो है वो कॉपियां चेक करते हैं, कॉपियों का इंस्पेक्शन होता है, इसी बहाने क्लास टीचर के मन में भी डर होता है, बच्चों के मन में भी डर होता है, प्रिंसिपल का साइन होता है, स्टैंप लगता है हर 15 दिन में, ताकि बच्चों का प्रॉपर कॉपी मेंटेन रहे, बच्चे अपना प्रॉपर होमवर्क करें, असाइनमेंट करें, रिविजन करें। ठीक है जी, तो उनकी कॉपियों में इसीलिए नोट डाले जाते हैं, अगर वही कॉपियां हम 2 महीने में एक बार चेक करेंगे तो बच्चे का 2 महीना तो मैम खराब हो गया, बच्चे ने ना काम किया, ना कॉपी मेंटेन करी, ना पीछे का सिलेबस कंप्लीट किया है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का जो बेस है वो खराब हो जाए। बस वही है। और पढ़ाई में सर ने जो बोला था ना, पढ़ाई में आवाज लगा लगा के आज का जो बोला था, और मेरा बेटा है कि आवाज नहीं निकालते पढ़ाई में, तो बस वही है, मैं चाहती हूँ कि उधर रहकर बस वो थोड़ा सुधार करे। आपका बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, नॉर्मली जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चा 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप खुद ही सोचो कि अगर कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है तो क्या उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्या उसका रिजल्ट नहीं आएगा? डेफिनेटली होगा, है ना? लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन एक साल ऑनलाइन इवनिंग क्लास किया था, और इसी साथ मैंने दिया था स्कूल में। अच्छा। दूर तो है, 3 दिन का सफर है, फिर भी रिक्स लेके दिया हूँ। कोई कुछ दूर नहीं है मैम, पता क्या होता है जब तक हमने पहली बार कोई काम नहीं किया है ना तो वो हमें दूर लगता है, मुश्किल लगता है, जब आप अंबाला में 2-3 चक्कर मार लोगे तो आपको पास लगने लग जाएगा। सब कुछ दिमाग की गेम है, हमारा दिमाग कैसे सोचता है, क्या करता है, हम कैसे उसको चला रहे हैं ना, बस वही चीज है। अगर मैं असम 4 चक्कर मार लूंगा तो मुझे लगेगा असम पास में ही है। सही है, पास में। लेकिन मैं कभी जिंदगी में असम नहीं गया तो मेरे मन में क्या आएगा, अरे असम तो बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ होगा, कैसे जाएंगे,
पता नहीं कैसे लोग होंगे, है ना। और मैं आपको बता दूं हमारे हॉस्टल में करीब करीब 30 से 40 बच्चे असम से, करीब करीब बता रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा बेटा बोला है कि मम्मी दिसपुर, हम लोग दिसपुर में है, ये मेट्रो सिटी में ही है। बोला है मम्मी दिसपुर का ही है, यहाँ पे एक मिल गया दोस्त। बोला चलो ठीक है, तो आसाम का ही हम लोग को उधर का ही मिल गया, चलो तो अच्छे से रहना, शेयर करना कुछ भी, बस यही हम सिखाते हैं। आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा घर से बाहर निकल गया है, दूर जाके पढ़ाई कर रहा है। जो बच्चा इस एज में इतनी दूर जाकर के पढ़ाई कर रहा है, सोचो आप जब वो बड़ा हो जाएगा तो लाइफ में क्या क्या करेगा, सही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हम लोग साल में 2 बार 3 बार बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप मार के आते हैं कि भी कुछ सीखने को मिलेगा, आप समझो। कभी हम यूरोप जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, जानबूझ करके कि भी कुछ सीख के लाएंगे वहां से, तो अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करेंगे, अपने टीचरों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। सोचो आपका बच्चा पढ़ाई के माध्यम से इधर आया है, यहाँ पे हजारों तरह के बच्चे हैं, अलग अलग फैमिलीज हैं, बच्चे को कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक नहीं? बस वही है जो चीज आपने 16 साल की उम्र में सीखना है, 18 साल की उम्र में कॉलेज में जाना है, 19 साल की उम्र में सीखना है, वो आपका बच्चा आज 12 साल की उम्र में सीख रहा है, तो आपको फायदा होगा मैम, क्यों नहीं होगा फायदा? होगा, 100% होगा, बस भरोसा है हमें। नहीं नहीं बिल्कुल, आप लोगों का भरोसा बनाने के लिए मैंने ये नया सेशन स्टार्ट किया है लाइव, और अब मैं जूम पे लगातार लाइव आ रहा हूँ, है ना, ताकि मैं आपसे मिल पाऊँ, बात कर पाऊँ। और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, मेन पेरेंट्स को तैयारी करवाने में मेन दिक्कत आती कहाँ पे है, क्या समस्या आती है, उन समस्याओं के ऊपर मुझे काम करना है, सही है? हाँ जी, और वीकली जो टेस्ट जो आता है करते है, रीजनिंग मेरा बेटा जो ऑनलाइन रीजनिंग पे बहुत अच्छा लगा, तो इस बार भी रीजनिंग पे फर्स्ट जाते ही उसने सिर्फ दो चार दिन में अटेंड किया था, रीजनिंग में 30 में 23 मिला। अच्छा। फिर भी मैं बोली बहुत अच्छा है, और इस महीना का मतलब अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं आया कि वीकली टेस्ट जो हुआ था तो क्या है, आज मैंने मैम से पूछा है तो बोला है अपडेट करेंगे। जो अपडेट होएगा ना, जैसे अब कल संडे था तो उसका नेक्स्ट संडे को अपडेट होता है ना, उसको उसको चेक करवाने में, उसको सारा क्रॉस चेकिंग करने में, डाटा को बनाने में, ऐप में चढ़ाने में, पूरा एक लंबा काम है, बहुत बड़ी टीम लगी हुई है ना, एक दो आदमी का काम नहीं है ये। पहले क्लास टीचर वो पूरा मैनेज करता है, फिर सब्जेक्ट टीचर के पास जाता है, वो सारे सब्जेक्ट टीचर करते हैं, फिर उसके बाद अकेडमिक हेड उसको क्रॉस चेक करता है, फिर प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करता है, फिर वेरीफाई करने के बाद सारा डाटा ऐप में डाला जाता है ताकि पेरेंट्स को टाइम से मिल पाए, है ना। तो वीकली वो डालते हैं, नहीं मंथली डालते हैं मैम, अभी है ना ऐप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वीकली हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप पीटीएम में आओगे ना, तो आपको पूरा अप्रैल और पूरा मई का सारा मिल जाएगा एक साथ, आपके बच्चे का पढ़ाई कैसा है, हॉस्टल में बिहेवियर कैसा है, ग्राउंड में स्पोर्ट्स में बिहेवियर कैसा है, ठीक है। आपका वीकली रिपोर्ट आपको पूरा अप्रैल और मई का पूरा एक साथ मिल जाएगा, आपको घर ले जाने के लिए मिल जाएगा, है ना, आपको पूरा एक फाइल बना के हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, वो मिल जाने से हमें भी आगे अगर नेक्स्ट टाइम में कॉलिंग में हम लोग भी उसको मतलब और भरो और उसको थोड़ा उत्साह दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वही बात है, बाकी तो सब ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने असम से अपने बच्चों को भेजा हुआ है, और आपकी सोच बहुत अच्छी है ना, नहीं तो कई बार पेरेंट्स बहुत डरते हैं, घबराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सेक्रीफाइस हम भी करेंगे, बच्चों को भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए अभी से। बिल्कुल मैम, देखिए ये यही एज है, देखिए आगे आगे आपको पता है लाइफ कैसी है, आप लोग सब खुद ही लोग देख रहे हैं आज के जमाने में, काम धंधा करना, पैसा कमाना, घर परिवार चलाना है कि नहीं, तो जितना ज्यादा बेस मजबूत होगा, जितना बच्चे ने अभी बचपन में ही प्रॉब्लम फेस करी होंगी, प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, उतनी ही इजीली वो लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सही है? वो सॉल्व हो जाएंगे, फौजी है, फौजी का बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होना ही। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को रफ एंड टफ बनाइए, ठीक है, बच्चों को आप जैसा बनाओगे ना बच्चे वैसे बनेंगे। अब कई बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं कराना जी, वैसा नहीं कराना, आप बच्चे को जैसा बनाओगे वैसा बनेंगे, सिंपल सी बात है। आप उसको रफ एंड टफ बनाओगे वो रफ एंड टफ बनेगा, आप उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाओगे तो वो सॉफ्ट बनेगा, सही है जी? हाँ जी, चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, प्रदीप शॉ जी का मैसेज है, 17 जुलाई
2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, सिक्स क्लास के लिए बच्चे का डेट आ रहा है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, ठीक है जी। और इसके अलावा एट्थ क्लास के लिए RIMC देहरादून का भी डेट आ रहा है, सही है जी। मैंने माइक ऑन कर लिया है। सुमित ढोलकिया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर बताइए क्या सवाल है आपका और कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सर मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, केम छो कपे केम छो बस बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा बेटा राजीव ढोलकिया 8th स्टैंडर्ड में आपके स्कूल में ही है, हॉस्टल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी उसको 20-25 दिन जैसा हुआ है हम छोड़ के आए उसको। जी 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 जी। सर बात ये करनी थी कि शुरू के दिनों में उसको वो थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाता था जी, अदर स्टेट के बच्चों के साथ, तो थोड़ी हेरेसमेंट हो रही थी। ठीक है जी। 15 दिन बाद उसका जब कॉल आया तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था, उसने मुझे बोला कि पापा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप मुझे ले जाओ। ठीक है जी। तो वो तो ठीक है, बच्चा दूर है तो थोड़ा बहुत इमोशनल होगा। शुरू के 15-20 दिन में थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। 90% बच्चे सेट हो जाते हैं, लेकिन 5%, 6%, 7% बच्चों को। अब सर उसको थोड़ा मोटिवेशनल की जरूरत है, मोटिवेट करने की। सर हमारी तरफ से लगातार लाइव क्लासेस चल रही है, आपने देखा होगा संडे को। क्लास अटेंड करता हूँ जी 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 वीकली। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, जब आप लोग कॉलिंग कर रहे हैं ना, देखो हर बच्चा एक जैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1000 बच्चा है, 900 बच्चा सेट हो गया है, लेकिन जो 100 बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा कई बार 15 दिन की बजाय 20 दिन लग रहा है, 25 दिन लग रहा है, तो वो कई बार अगर मेरे को पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सही है? नहीं सर, हमने तो ऐसा डिसाइड किया है कि 12th तक उसको वहीं पे रखना है। वो 6th क्लास में भी हॉस्टल में ही था, उसने सैनिक स्कूल का एग्जाम भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी क्या वो स्टेट चेंज हो गया ना, तो वहाँ पे उसको थोड़ा थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, उसको दिक्कत आ रहा है खाने पीने में। खाना पीना तो अच्छा ही है, लेकिन टेस्ट वाइज उसको थोड़ा दिक्कत आ रहा है। नहीं नहीं, वो सर मैंने देखो अभी आपके सामने, मैंने मैडम से बात किया, मैडम ने बच्चे को असम से भेजा है। सोचो आप, नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, सिस्टम है, हमारे नॉर्थ से कितना डिफरेंट है, सही है? लेकिन उनको पता है भाई फौजी का बच्चा है सही है, काम करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, तो ये हो जाएगा सर, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बच्चे को आपने मोटिवेट करना है लगातार। और इंडिया में तो सर हर 100 किलोमीटर पे खाना चेंज होता है, हर 100 किलोमीटर पे, हर 100 किलोमीटर में दाल चेंज होती है, चावल चेंज होता है, सब्जी चेंज हो रही है। ठीक है जी। सर एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे। जी सर बताइए। सर अगर आपका नेक्स्ट वीक या कभी भी आपका सेमिनार हो, जब आप स्पीच दे रहे हो 8th क्लास के बच्चों को, हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप राजीव को एक बार पर्सनली मिले। नहीं नहीं सर, मैं बच्चों का सेमिनार लेता हूँ, बट वही है, मैं बच्चों को सेमिनार लाइव शुरू होने से पहले भी बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, स्टार्ट होने से पहले, लाइव जाने से पहले मैं बच्चों को बोलता हूँ अपने मन में 2-2 क्वेश्चन सोच के रखो। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स लाइव आते हैं, देखते हैं, आपका वेट करते हैं, लेकिन आप लोग शर्माते हो। तो कई बार क्या होता है सर, बच्चे को खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, कई बच्चे पहले दिन से ही खुल जाते हैं, कई बच्चों को 15 दिन लगता है, कई को महीना लगता है। ठीक है जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल और मई, अगर हमारा 2 महीना भी खराब हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, अगर एक बार बच्चा सेट हो गया ना सर, सिलेबस तो बच्चा 8 महीने में कर लेगा। मेन बात है कि बच्चे का मन लगना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। बच्चे का खुश रहना बहुत जरूरी है, बच्चे का सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, बच्चे के पास गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, सही है, विजन होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई विजन ही नहीं है, मेरे पास कोई टारगेट ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, मुझे मम्मी की याद आएगी। विजन विजन तो है जी, विजन तो है सर उसके पास, वो IIT के फाउंडेशन के लिए ही वहाँ पे मैंने उसको भेजा है। बिल्कुल। और खुद को भी इंटरेस्ट है इसमें, इंजीनियरिंग में। हाँ जी हाँ जी, इसलिए सर मैंने वहाँ पे भेजा है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, सेट होने में ना, तो मैंने क्या कहा, 95% बच्चे सेट हो जाते हैं, 90-95%। 5% बच्चे हैं थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से या बच्चे की तरफ से थोड़ा शुरू में दिक्कत आती है, इसीलिए अभी छुट्टियां पड़ रही हैं। अब जुलाई के बाद आएंगे तो फिर ताबड़तोड़ क्लासेस चलेंगी, सही है, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई, और फिर जुलाई के बाद अब हम लोग भी थोड़ा प्रेशर स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, अभी हम लोग जानबूझ के किसी से पंगा ले ही नहीं रहे, अभी शांति से हम आराम से काम कर रहे हैं स्मूथली, कि बच्चे का मन लग जाए, बच्चा सेट हो जाए, उधर मम्मी डैडी का मन लग जाए, इधर बच्चे का मन लग जाए। एक बार ये हमारी सेटिंग होगी, अप्रैल मई निकल गया, जुलाई से फिर हमने ताबड़तोड़ अपनी पढ़ाई, सिलेबस, टीचर्स के ऊपर प्रेशर डालना, बच्चे के साथ
काम करना, बच्चे पे प्रेशर, वो फिर हम स्टार्ट करेंगे, सही है? हाँ, अभी थोड़ा सा ऐसे कि गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत पड़ रही है, छुट्टियां हैं, है ना, तो लोग प्लानिंग बना रहे हैं यहाँ वहाँ, है ना। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, गुजरात से बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर, बहुत 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 शुक्रिया सर, है ना, थैंक यू सो मच। चलिए ममता कुमारी जी का मैसेज आया, कितने नंबर लेने पर सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है? कम से कम आपको टारगेट करना है, कम से कम मैं आपको बता दूं ममता कुमारी जी, 80% सिक्स क्लास में 260-270 नंबर कम से कम आपको टारगेट करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको सिक्स क्लास में एडमिशन लेना है तो कम से कम 240-250 के करीब, और नाइन्थ क्लास में कम से कम 350 नंबर 400 में से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है जी। सर मैं 10th क्लास में हूँ, मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एंट्रेंस एग्जाम कब दूँ? देखिए अगर आप 10th क्लास में आए हो तो हर साल आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकलता है, कब निकलता है फॉर्म आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का? नवंबर दिसंबर में हर साल, और फरवरी के सेकेंड वीक में संडे को उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है जी। एक मैम हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका नाम नहीं शो कर रहा है, मैंने आपका मैम माइक ऑन कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुद्रांश, रुद्रांश की मम्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक छोटा बच्चा भी इन्होंने गोद में लिया हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको मैं लाइव मतलब कुछ बोलना चाहती हूँ जी, मतलब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और आपको बहुत बहुत दुआ देती हूँ मैं, क्योंकि आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है ना बच्चों को, हाँ जी, मतलब आप कोई मतलब ऐसे नहीं देखते हो कि बच्चा कैसे है नहीं है, आपने जो प्लेटफॉर्म मतलब बच्चों के लिए दिया है ना, मतलब काबिले तारीफ है, एकदम सैल्यूट करते हैं आपको सर। मैम बहुत और मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है 5th क्लास में सर, रुद्रांश है उसका नाम, हाँ जी। तो सर मैं आपको मतलब बहुत दुआ देती हूँ कि सर आप और आगे जाएं, मेरा बस मेरे बच्चे से बात होता है, बोलता है कि मम्मा मैं बहुत खुश हूँ इधर, पहले के 15 दिन तो सर बहुत एडजस्ट करने में टाइम लग गया था, हाँ जी, हाँ जी, पर धीरे धीरे उसको हो रहा है, मतलब ठीक ठाक वो पैच कर रहा है अपने आप को उधर, हाँ जी, हाँ जी। सर और मैं सर ये बात करना चाहती हूँ कि सर आप थोड़ा सा मतलब ऐसे बताएं कि मेरा बेटा तो एवरेज स्टूडेंट है, मतलब उसको लेके मेरा बहुत बड़ा सपना है, लेकिन वो थोड़ा मतलब मैथमेटिक्स में थे सर, थोड़ा सा मतलब कमी है उसका, तो सर क्या सब ठीक हो जा सकता है सर? मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे 10th में भी ऐसे ही 70% नंबर थे, 12th में भी ऐसे ही थे, मेरा बीटेक किया, मेरे बीटेक में भी इतने ही थे, एमटेक में भी इतने ही थे, सही है क्या? तो मैं पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देता था, खेलने कूदने में भी पूरा ध्यान देता था, और शरारत भी पूरी करता था, मुझे याद है, ठीक है जी। तो बात यही है कि जैसे जैसे फिर हम लोग गए, हमने चीजों को एनालाइज किया, फिर हम धीरे धीरे फोकस्ड होते गए, है ना। आप लोगों के बच्चों ने तो बहुत छोटी एज में स्टार्ट किया, हमने तो बहुत लेट स्टार्ट किया, है ना, हमें तो ये चीजें बहुत लेट समझ में आई, हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं था, हमारे टाइम में इतना इंटरनेट सस्ता नहीं था, फ्री नहीं था, समझ रहे हो आप? यस सर, है ना, हमारे टाइम में तो हम एक्चुअली हम वो वेस्ट बंगाल के हैं, पर हम पंजाब में रहते हैं सर, पंजाब में रहते हैं, हाँ पंजाब से उधर छोड़े हैं सर, उसको बहुत आशा लेके, और आपको यूट्यूब में पहली बार वीडियो में देखा था आपको सर, बहुत मतलब आपसे बहुत मोटिवेट मिलता है हमको, मोटिवेशनल बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हो आप, तो हम तक भी पहुंचता है वो बात, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने जो किया है बच्चों के लिए, सभी माँ बाप आपको दुआ दे रहे हैं, और आप बहुत आगे बढ़िएगा। मैम आप लोगों का आशीर्वाद मुझे लग गया है, और मेरा जो अंबाला में स्कूल है वो फुल हो चुका है, अभी मैं पटियाला में और 2-3 जगह में प्लानिंग कर रहा हूँ, और जुलाई से वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। आप पंजाब से है ना, पटियाला में हमारा भी दूसरा स्कूल स्टार्ट होने जा रहा है, लास्ट ईयर भी हमारा फुल हो गया था, लेकिन फिर कोविड आ गया था, बीच में स्कूल बंद हो गया था 19 अप्रैल 2021 को, तो फिर हमें जो दूसरा स्कूल था, फिर हमने उस टाइम प्लान को ड्रॉप कर दिया, हमने स्कूल को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ लग रही है, और हमारा अंबाला का जो स्कूल है वो फुल हो चुका है, ठीक है, ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी उसको हम पटियाला वाले को तैयार कर रहे हैं, वहां पे भी पूरा वैसे ही सिस्टम बनेगा, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, स्मार्ट क्लासेस, जिम है ना, कंप्यूटर लैब, सेमिनार हॉल, पूरा वैसे ही बना रहे हैं, बड़ी सी लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है जी।
सर बहुत इच्छा था आपसे मिलने का, मतलब लाइव बात करने का, भगवान ने आज मौका दे दिया हमको कि आपसे मिले, मौका दे दिया। और सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या आप सर ये दिलासा दीजिए कि मेरा बेटा कर सकता है, दो बार चांस मिलेगा उसको। मैम मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ अपने बच्चे पे विश्वास रखिए और उसको मोटिवेट कीजिए, है ना सर। मेरा तो आप पे विश्वास है और मेरे बाबा पे विश्वास है, साईं पे, और किसी पे विश्वास नहीं है। आप एक बार सोच के देखिए कि क्या मोदी जी की मम्मी ने कभी सोचा था कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, सोच के देखिए। जी सर डेफिनेटली। देखो सर मैं आपको मतलब सच्ची बता रही हूँ, आपसे आपके विश्वास से मैंने उधर डाला है आपको, ना मैं पहचानती हूँ ना मैं आपको जानती हूँ, बस आपको मैंने देखा है बस। नहीं नहीं मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल आपका बच्चा करेगा, आप अपने बच्चे पे विश्वास रखिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, बच्चा घर से बाहर है, लेकिन जो मेजर चीज है हमारी पढ़ाई है, खाना पीना है, स्पोर्ट्स है, अगर बच्चे रेगुलर कर रहे हैं, बच्चे खुश हैं तो रिजल्ट मिलेगा। और हमें ना इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। देखिए सभी बच्चे तो कलेक्टर नहीं बन जाएंगे, आप भी समझिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर हमारा बच्चा खुश है, हमारा बच्चा इम्प्रूव कर रहा है लगातार, उसको पढ़ाई करने में मजा आ रहा है, हॉस्टल में वो खुश है, तो मैम वो सीख रहा है। आप सोचो बच्चा सुबह 5 बजे उठ रहा है और रात को 11 बजे सो रहा है, यानी 14-15 घंटे बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। कभी वो शाम को लाइब्रेरी में जा रहा है, कभी 3 घंटे स्पोर्ट्स खेल रहा है, कभी वो रात को अपना 8 से 10 सेल्फ स्टडी करवा रहे हैं, उसको रिविजन करवा रहे हैं, जो दिन भर पढ़ाया गया उसको बार बार लिखवा लिखवा के प्रैक्टिस करवा रहे हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब अगर हमारा बच्चा 15 घंटे लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, तो मैम क्या बुराई है, सही है कि नहीं। जी सर डेफिनेटली, है ना। चलिए मैम बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब मुझे खुशी हुई कि चलो आज मैं जितने भी पेरेंट्स से मिला, करीब करीब 8-9 पेरेंट्स ने मतलब रिप्लाई किया है और वीडियो पे आए, और सभी के बच्चे देखिए खुश है, है ना। तो शुरू में थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, अगर यही बात पेरेंट्स को समझ में आ जाए, है ना। इसके काम की जो शुरुआत होती है ना, मैं पटियाला में स्कूल खोल रहा हूँ, शुरू में 100-200 बच्चे लाना मुश्किल है। 100-200 बच्चे आ गए तो मैम 1000 बच्चा ना सिर्फ 2 महीने के अंदर 1000 बच्चा आ जाएगा, फुल हो जाएगा। लेकिन शुरू का 1 महीना 2 महीना निकालना बहुत मुश्किल है। शुरू के 100 बच्चे लाना, 200 बच्चे लाना बहुत मुश्किल है। अगर पटियाला ब्रांच में शुरू में 100-200 बच्चे आ गए ना, तो मैं कह रहा हूँ अगले 2-3 महीने के अंदर ही 1000 बच्चे आ जाएंगे, स्कूल फुल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का जो लाइव सेशन है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए पेरेंट्स को सैंपल पेपर चाहिए, आप वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। 31 मई तक आपको 15 बुक्स का सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं और अभी जो बच्चे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है एडमिशन में, ठीक है। और नई ब्रांच ओपन हो चुकी है तो उसके लिए हम लोग लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि सर आप हमें बहुत मोटिवेट करते हो, लेकिन कई बार जब मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, कोई गुजरात से है, कोई असम से है, और जब वो लोग बताते हैं कि इतनी दूर से बच्चा पढ़ने आया है, तो मैं सच बता रहा हूँ कि आप लोगों से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।